hello students good morning this is your english period let's start today's class student uh, we were reading chapter 3 alphabetical order for our english language book and in this chapter 3 alphabetical order we have solved exercise a fill in the blanks the picture will help you and in this exercise a we learned that uh, uh, what is a is for what is b is for what is c is for so we have solved exercise a uh, first to 26, and also match your answer from the given answer sheet. And we have also read this exercise B write the letters in the correct alphabetical order uh, 1 to 5. So, uh, both exercise A and B, which is on page number 5 and 7. Uh, and uh, six okay so we have uh, solved this exercise a and b uh, in our last time we can study and you know what what's our today's topic uh, what we'll do in our today's class and so today we will uh, solve the exercise o of chapter three alphabetical order in our uh, fair notebook yeah so we will do today exercise o answer the following questions of our chapter three alphabetical order Clear? so center so today we are going to read exercise o answer the following questions Clear? आंसर डी फॉलोइंग क्वेश्चन इट मीन जो क्वेश्चन ना उनके आंसर देने किया योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर व्हाट मीन्स क्या इज मीन्स है अल्फाबेटिकल मीन्स वर्णमाला जो मैं ए टू जेड होते हैं ना वही तो हमारे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं ना ऑर्डर मीन्स क्रम व्हाट इज़ अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारी uh, वर्णमाला का, का क्रम क्या है मैं ए टू जेड का क्रम क्या है क्लियर सो योर आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज दैट द ऑर्डर इन विज द लेटर ऑफ द अल्फाबेट एपियर इज क्वाल द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी डॉट 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 एंड शो ऑन क्या दर्डर ऑर्डर मीन्स क्रम जो एक सीरियल होता है ना जैसे सीरियल होता है कि वी नो डेट अवर अल्फाबेट इस्ट विद इन लेटर ए एंड आफ्टर ए बी एंड आफ्टर बी सी आफ्टर सी डी आफ्टर डी ईके तो so, ये जो ऑर्डर होता है एक जो क्रम होता है कि हाई अल्फ़ाबेट स्टूडेंट किससे स्टार्ट होती है ए फॉर एप्पल से स्टार्ट होती है ना और ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है सी के बाद डी आता है यही तो ऑर्डर होता है यही तो क्रम होता है ना हमारे अल्फ़ाबेट का हमारे लेटर्स का तो दी ऑर्डर इट्स मीन जो क्रम होता है ना इन विच दी लेटर्स ऑफ दी अल्फ़ाबेट एपियर अपीयर मीन्स दिखाई देती है ओके ऑर्डर इन विच द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एपियर इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर दू एक टर्म ओके इन विज द लेटर्स जिसमें जो लेटर्स होती है ना हमारी जो अक्षर होती है हमारी जो वर्ड होती है ऑफ़ द अल्फाबेट ओके जो हमारी अल्फ़ाबेट के लेटर्स जिस वर्ड में सॉरी uh, हमारे जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स uh, होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के जो अक्षर होते हैं वो जिस ऑर्डर में होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं जिस ऑर्डर में वो दिखाई देते हैं ओके okay? उन्हें क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इट्स मीन वर्ड माला के क्रम ओके वर्माला का क्रम द ऑर्डर इन which द लेटर्स ऑफ the अल्फ़ाबेट appear is इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिस ऑर्डर में जिस क्रम में हमारी अल्फ़ाबेट के लेटर्स दिखाई देते हैं हमारे ए टू जेड दिखाई देते सिंपल लैंग्वेज में बोले हमारे ए टू जेड जिस लेटर में जिस ऑर्डर में दिखाई देते हैं ना जिस क्रम में दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इट्स मीन वर्माला का क्रम नौ योर सेकेंड नंबर योर फर्स्ट नंबर आंसर क्लियर ना फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी डॉट 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 एंड सोन ओके दर्स्ट लेट ऑफ अल्फाबेटिक अल्फाबेट इस ए आफ्टर ए बी आफ्टर बी सी आफ्टर सी डी ओके डॉट 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 इट्स मीन ऐसे डी के बाद ई आएगा आफ्टर ई एफ आफ्टर एफ जी आफ्टर जी एच ओके ऐसे ही हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे एंड सोन इट्स मीन होता है इ टी सी इट्स मीन कि आफ्टर डी ई आएगा एफ जी आफ्टर जी एच आफ्टर एच आई आफ्टर आई जे आफ्टर जे के ऐसे आते जाएंगे और लास्ट में हमारा जो जेड आएगा क्लियर सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द ऑर्डर इन विच दी लेटर्स ऑफ दल्फ़ाबेट एपियर इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिस ऑर्डर में जिस क्रम में हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हमारे ए टू जेड दिखाई देते उन्हें बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्माला का क्रम ओके okay, उसे बोलते अल्फ़ाबेटिक को लॉर्डर इट वर्माला का क्रम और जैसे ए बी सी डी डॉट 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 क्लियर सो योर फर्स्ट नंबर आंसर इज क्लियर ना ओके लेट्स सी द सेकेंड नंबर क्वेश्चन योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओके तो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर क्या है व्हाट मीन्स क्या इज मीन्स है द फर्स्ट लेटर इट्स मीन पहला अक्षर पहला लेटर ओके okay? ऑफ का अवर मींस हमारी इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी अल्फ़ाबेट मीस वर्डमाला वॉट इज द फर्स्ट लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर स्टूडेंट कौन सा है क्या है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर ओके हमारी माला का फर्स्ट लेटर क्या है पहला अक्षर क्या है ओके सो स्टूडेंट वी नो दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ ए वी कैन टू से अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज स्टार्ट विद द लेटर ए ओके हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट किस लेटर से स्टार्ट होती, होती है ए से स्टार्ट होती है ना ए फॉर एप्पल से स्टार्ट होती है ना ओके सो ऑल स्टूडेंट राइट हियर इन दिस फर्स्ट नंबर आंसर सॉरी इन दिस देंड नंबर आंसर तो आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या है ए ओके ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओके इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारी इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर क्या है ए क्लियर ओके लेट्स सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ आवर इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट मींस क्या इज़ मींस है लास्ट लेटर मींस आखिरी अक्षर ऑफ मींस का मींस हमारी इंग्लिश मींस अंग्रेजी अल्फाबेट मींस वर्डमाला व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ अवर इंग्लिश अल्फाबेट हमारी इंग्लिश वर्माला का ओके अंग्रेजी वर्माला का लास्ट लेटर क्या है आखिरी अक्षर क्या है अंतिम अक्षर क्या है सो स्टूडेंट वी नो डैट द लास्ट लेटर ऑफ आर इंग्लिश अल्फाबेट इज जेड जेड फॉर जैबरा होते ना इट्स अवर लास्ट लेटर ऑफ आर इंग्लिश अल्फाबेट ओके वी कैन सी दैट इट्स अवर ट्वेंटी पे जाबरा आया था ना धारीधार घोड़ा इट्स अ लास्ट लेटर ऑफ अवर इंग्लिश अल्फाबेट सो ऑल स्टूडेंट राइट इन दि थर्ड नंबर आंसर जेड वॉट इज द लास्ट लेटर ऑफ अवर इंग्लिश अल्फाबेट हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर क्या है द लास्ट लेटर ऑफ अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज जेड ओके हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर क्या है जेड जेड फॉर जैबरा क्लियर लुक एट दी फोर नंबर क्वेश्चन फोर नंबर क्वेश्चन इज व्हाट कम्स बिफोर डी व्हाट मीन्स क्या कम्स मीन्स आता है बिफोर मीन्स पहले डी व्हाट कम्स बिफोर डी डी के पहले क्या आता है वी नो वेरी गुडली डेट सी कम्स बिफोर डी की डी uh, के पहले सी आते हैं ना ओके प्रूव करिए से स्पीक करिए ए बी सी डी ओके तो सी डी इट्स मीन डी के पहले क्या आ रहा है सी आ रहा है ना एंड आफ्टर सी डी है है ना ए बी सी डी डी के पहले क्या रहे है, C आ रहे हैं स्टूडेंट सी आ रहे हैं ना वट कम्स बिथ फोर डी डी के पहले क्या आता है सी 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 कम्स वी फोर डी डी के पहले सी आता है क्लियर एट दी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन योर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज विच लेटर कम्स आफ्टर के विच मीन्स कौन सा लेटर मीन्स अच्छा कम्स मीन आता है आफ्टर मीनस बाद में के ओके विच लेटर विच लेटर कम्स आफ्टर के कौन सा अच्छा के के बाद में आता है कौन सा लेटर के के बाद में आता है तो स्टूडेंट्स वी नो दैट एल कम्स आफ्टर के 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 बाद में एल आता है ओके वी अब स्पीक हम बोल सकते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओके के 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 फॉर काइट एंड आफ्टर के फॉर काइट कम्स एल फॉर लीव ओके या वी कैन टू से एल फॉर एन ओके एल फॉर लीव हमने देखो इलेवन नंबर uh, पे केस फॉर काइट था एंड आफ्टर ट्वेल्व नंबर पे लीज फॉर लीव आया था ना सो वी नो डैट एल कम्स आफ्टर के के बाद में एल आता है ओकेशन राइट फिफ्थ नंबर आंसर एल ओके आंसर लुकेटी सिक्स नंबर क्वेश्चन यू सिक्स नंबर क्वेश्चन इज विच लेटर कम्स बिटवीन पी एंड आर विच मीन्स कौन सा लेटर मीन्स अच्छा कम्स मीनस आता है पी एंड आर ओके फिस्ट लेटर कम्स बिटवीन पी एंड आर पी और आर के बीच में कौन सा लेटर आता है तो स्टैंड वी नो डैट क्यू कम्स बिटवीन पी एंड आर पी और आर के बीच में क्यू आता है ओके ऑल स्टेंट रीड विथ मी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर है ना पी क्यू आर इट्स मीन पी और आर के बीच में स्टेंट क्या आ रहा है क्यू आ रहा है ना तो पी एंड आर पी और आर के बीच में कौन सा लेटर है क्यू क्यू फॉर क्यू इन रानी क्लियर ओके सॉल्यू सेंट राइट नंबर आंसर क्यू ओके सेवन नंबर क्वेश्चन इज जी इज फॉर ओके जी स्टेंट किसके लिए जी से क्या होता है लुक क्लियरली एन सेवन नंबर सेवन नंबर सेंटेंस पे देखिए जीज फॉर ग्राफ्स हमने राइट कर, कर चुके हैं ना रीड कर चुके हैं जी फॉर ग्राफ्स सो योर ऑप्शन आर जो आपके ऑप्शन है जो विकल्प है वो है okay, that, एलिफेंट ओके टेल मी एट जीज फॉर एलिफेंट जी किससे एलिफेंट होता है नो ईज फॉर एलिफेंट है ना ई से एलिफेंट होता है सेकेंड uh, है बॉल जीज फॉर बॉल जी से बॉल होते हैं नो बीज फॉर बॉल बी से बॉल होता है ना योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज ग्राफ्स जी इज फॉर ग्राफ्स या इट्स अ करेक्ट ऑप्शन सो ऑल इज इन राइट यूर इन दी ब्लैंक इन यूर सेवन नंबर आंसर ग्राफ्स ओके फर्स्टली टिक द थर्ड नंबर ऑप्शन सबसे पहले थर्ड नंबर ऑप्शन पर टिक करिए ग्राफ्स पर एंड आफ्टर राइट इन दी ब्लैंक ग्राफ्स जी आर पी ई एस ग्राफ्स ओके जी इज फॉर ग्राफ्स जी से क्या होता है ग्राफ्स ग्रेप्स मीन्स अंगूर ओके विस इज माई फेवरेट फ्रूट ओके सो ऑल इज रेंट लुक एट द एट नंबर एंड क्वेश्चन योर एट नंबर क्वेश्चन इज राइट द लेटर्स इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट मीन्स लिखिए लेटर्स मीन्स अक्षरों को इन इनमी में करेक्ट मीन्स सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर इट मींस क्लिक के क्रम राइट द लेटर इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये जो लेटर्स दिए ना जे एंड बी डी सी दिस क्वेश्चन फाइव लेटर्स एंड आवर वर्क इज दैट इन दिस क्वेश्चन दैट राइट द लेटर इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें सही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन लेटर्स को राइट करना है कलियां वी कैन राइट ऑल दिस लेटर इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकॉज वी नो दैट हाउ कैन वी

सिस्टेंट वी कैन सी डेट वी कैन फर्स्टली रेयर इन दी फर्स्ट नंबर ब्लैंक बी ओके बिकॉज अवर एल्फाबेट स्टार्ट ए एंड आफ्टर इट बी बी आते हैं ना ए से स्टार्ट होते हैं आफ्टर बी आते हैं ना तो फर्स्टली बी राइट हेयर इन दी फर्स्ट नंबर ब्लैंक बी एंड आफ्टर इट सी एंड आफ्टर ईट डी बी सी डी एंड डी के बाद क्या आएगा ओके और इस्टेंट रीड विथ मी ई एफ जी एच आई जे ओकेट वी कैन सी डेट हेयर जे जे है ना तो आफ्टर डी वी राइट हेयर जे इन दी फोर नंबर ब्लैंक ओके तो क्या क्या फोर नंबर ब्लैंक पे जे राइट के आफ्टर डी डी के बाद में एंड ऑल रीड विथ मी आफ्टर जे के एल एम एन ओके वी कैन सी डेट अ हेयर ऑलरेडी दिस क्वेश्चन गिव गिवर्सा एन एन भी दे रहा है तो आफ्टर जे वी राइट हेयर एन इन द फिफ्थ नंबर ब्लैंक देन अवर आंसर इज़ बी सी डी जे एन ओके इट्स अ करेक्ट इट्स अ करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ दिस लेटर्स ये जो लेटर्स दिए हुए थे ना उनका करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ओके बी सी डी जे एंड इट्स अ करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द गिविन लेटर्स जे एंड बी डी सी क्लियर सो आई एक्सप्लेन यू ऑल क्वेश्चन एंड आंसर एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन ओके सो आई रिपीट अगेन ओके योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज़ वॉट इज़ अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है वर्णमाला का क्रम क्या है योर आंसर इज द ऑर्डर इन विच दी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट अपियर इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिस ऑर्डर में जिस क्रम में हमारी अल्फाबेट अपियर होती है हमारी जो वर्डमा दिखाई देते हैं हमें ए टू जेड दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर इट्स इन वर्मा का क्रम फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी डॉट 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 एन सो वन ओके योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ आर इंग्लिश अल्फाबेट हमारे इंग्लिश अल्फावेट का फर्स्ट लेटर क्या है सो अवर आंसर इज ए इज द फस्ट लेटर ऑफ आर इंग्लिश अल्फावेटेट हमारे इंग्लिश अफ़ाट का फर्स्ट लेटर ए आई और वी कैन टू से डट अर इंग्लिश अल्फावेट स्टार्ट विद द लेटर ए क्लिया योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द लास्ट लेट ऑफ आर इंग्लिस अल्फावेट हमारे इंग्लिस अल्फावेट का लास्ट लेटर क्या है तो योर आंसर ऑफ दिस थर्ड नंबर क्वेश्चन इज जेड जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ आर इंग्लिश अल्फावट हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर जे ए क्लिया ओके योर फोन नंबर क्वेश्चन इज व्हाट कम्स बिफोर डी डी के पहले क्या आता है सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर इज सी